भारतवर्ष जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का पालन करता है और इसी वजह से हम सबसे बड़े भाई हुए। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया देश कौन सा? भारत देश। क्योंकि यहाँ पे लिखित रूप से ऐतिहासिक रूप से भी इसको सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको महसूस करते हुए गौरव अनुभव करना चाहिए कि हमारा देश बहुत ही महान देश है। और हमारे देश की महानता के और प्रमाण है, हमारे देश में जो कैलेंडर चलता है विक्रमी संवत, आप लोगों ने सुना होगा विक्रमी संवत, जिसमें एकादशी द्वादशी त्रयोदशी ऐसे नाम से तिथियां होती हैं, ऐसे होती, सुना आपने है ना, अष्टमी सप्तमी दसवीं नौवीं ऐसी। तो ये जो कैलेंडर है ये जो बताता है जिस समय सूर्योदय जिस समय सूर्यास्त, ये हमारे बहुत प्राचीन काल में ऋषि मुनियों में खोज करके इसको बता दिया था। बहुत देर बाद वैज्ञानिक लोग जान पाए, समझ रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इस बात को जानने के लिए अभी 18वीं शताब्दी में जान पाए, और हम लोग इसको पहले ही शताब्दी में जानते थे। और 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान को जानते हैं आप लोग है ना, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण ये हमारे देश की पहचान है और वास्तव में राष्ट्र की धरोहर यही है। और ये लोगों ने बहुत पहले बता दिया था और तमाम ऋषि मुनियों में बता दिया था कि हमारा जो सूर्योदय किस दिशा में होता है, ये किसने बताया था? भारतवर्ष ने। तब जाके ये लोग जान पाए कि पूरब दिशा ये है। हमने नाम दिया पूरब दिशा का नाम, किसने दिया? भारत देश ने। सभी दिशाओं के जो नाम रखे गए हैं ये भारतीय सनातन संस्कृति से चला रहा है। तो भारत देश सबसे महान देश शुरू से रहा है। इसको शुरू में विश्व गुरु कहा जाता था, दुनिया को ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा देश भारत देश है। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग अभी भी यहाँ पे देखो, पिछली बार भी मैंने कुछ बातें कही थी, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा,